से बिल्कुल पढ़ाई कर खुदा आज के कलाम को सुनकर हमेशा की जिंदगी हासिल कर सके जय खुदा खुदा तेरे पाक कलाम के फजल से पर बरकत पाए जो ने बरकत जय कर खुदा खुदा तेरा कलाम को पढ़ तेरा खुदा खुदा ये हमारे जिंदगी में सोना फल है तेरा खुदा खुदा हम इस पर अमल करने वाले हों तेरा खुदा खुदा पर ऐसा ना हो कि हमने इस माल से सुने हम दूसरी तरफ से निकाल दे तेरा खुदा खुदा हमें ये मौका अदा कर मेरा इसी तरह हमेशा तेरी बात करते रहे मेरा खुदा खुदा जो शैतान हमें जिस तरह समाज पर पैर फरिश्ते तेरी इबादत तेरी सताइश करते हैं ये जमीन पर तेरी इबादत करे पैर खुदा तेरे गीत गाए ताकि पैर खुदा तेरी जगह गार हो पैर खुदा खुदा पैर खुदा खुदा मेरे बच्चों के लिए दुआ करता हूँ पैर खुदा खुदा पैर खुदा मैं दुआ करता हूँ पास्टर आदम पैर खुदा पास्टर हाफिज़ साहब के लिए पैर खुदा खुदा इनके साथ हो पैर खुदा खुदा इनको बरकत बख्श पैर खुदा खुदा ताकि ये आज हम जिंदा 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 कलाम सुनाए तो पैर खुदा आसमान के दरीचे खुल जाए पैर खुदा खुदा और आसमान पर हजारों खुशियां खुशियां बनाए पैर खुदा इन्हें पैर खुदा तो आग के शोलों की मानव बनाना पैर खुदा खुदा इनका कलाम पैर खुदा सारी दुनिया में पैर खुदा शेयर किया जाए पैर खुदा खुदा इनके कलाम से बहुत ज्यादा हो पैर खुदा खुदा तमाम पैर खुदा जो खुदा खुदा द्रोह में गिरफ्तार कलाम के जरिए से पैर खुदा खुदा बरकतें पाए पैर खुदा खुदा जिस तरह पैर खुदा तुमने मुझे बरकत दी पैर खुदा तूने मेरे उन्होंने मेरे ऊपर दुआ की पैर खुदा मैंने शफा पाई पैर खुदा इसी तरह जो लोग भी पैर खुदा बीमार है वो उनकी दवाओं से पैर खुदा ठीक हो जाए पैर खुदा पैर खुदा तेरी तारीफ हो पैर खुदा पैर खुदा तेरा पाक कलाम हमारे कदमों को चिराग और राह को रोशन पैर खुदा खुदा पैर खुदा तेरा पाक कलाम दो दिन तलवार से भी तेज है जो बंद बंद और बूंदे बूंदे से होकर निकल जाता है पैर खुदा तेरे पाक कलाम को सुनकर हमेशा की जिंदगी हासिल कर सके पैर खुदा पैर खुदा तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ हो ये दुआ सुनो कबूल कर तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांग लेता हूँ आमीन 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 जैसा कि कलाम का वक्त हुआ जाता है तो हम अपने सीनियर पास्टर पास्टर रफाकत को तालियों के साथ वेलकम करेंगे हालेलुया हालेलुया खुदावंद की तारीफ हो आमीन क्योंकि वो जिंदा खुदावंद हमारी जिंदगियों में बड़े काम करने के लिए वो देखता है कि कौन मेरी बेटी और कौन मेरा बेटा मेरे हजूर चुका है आज हम इसी खुदावंद को बुजुर्ग खुदा कहते हैं क्योंकि वो अजल से है जिसने तखलीक किया है जमीन व आसमान आज हम उसको बुजुर्ग कहते हैं जिसके सर के बाल क्या हो सफेद हो यह नहीं होता कि जो जवान बंदा उसके बाल सफेद रहते ही उन्हें बाबा जी कहेंगे नहीं बाइबल के मुताबिक वो शख्स जो तना हो और बुजुर्ग हो और भड़ा हो हम उसकी इज्जत करते रहे अब आप सोचेंगे कि मैं अपने मां पे की सिर्फ इज्जत कराऊंगा नहीं मेरे अजीजों बाइबल मुकद्दस कहती है जिसके सर के बाल सफेद हो जाए हमारे लिए बहुतों दफा ऐसा होता है मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम अक्सर होता है कोई मांगने वाला है तो जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हम कहते हैं जाओ जरा अंकल को पैसे दे के आओ और जब बच्चे थोड़े से बड़ा होते हैं तो हम कहते हैं जाओ बाबे को दे के आ पैसे फिर दोनों चीजों में फर्क हो जाता है आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे हबार की किताब उसका 19 बाब हबार की किताब उसका 19 बाब और उसकी 32 आयत मेरे अजीजों बड़े बुजुर्ग ओल्डर जिन्होंने उसे बुढ़ा कहते हैं उनके बारे में बाइबल मुकद्दस कहती है अहबार की किताब 19 बाब उसकी 32 आयत में जिनके सर के बाल सफेद हैं तो उनके सामने उठ खड़े होना और भड़े
बूढ़ों का अदब करना और अपने खुदा से डरना, मैं खुदावंद हूं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए पाए से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। बड़े बुजुर्ग, आज मेरे लिए, अगर मैं म्यूजिक में हूं तो मेरे लिए बड़े बुजुर्ग कौन है जिनको ज्यादा आता है? अगर मैं खिदमत में हूं तो मैं अपनी कलीसिया के लिए बड़े बुजुर्गों में काउंट होता हूं। अगर मैं कलीसिया में नहीं हूं, उम्र में ज्यादा हूं, तो मैं अपने बच्चों में बड़ा और बुजुर्ग कहलाऊंगा। अब यहां पर दो बातें लोग करते हैं कि कहीं भाई जो बड़ा भाई है वो भी, हां जी, अगर बड़ा भाई आपके उम्र में बड़ा है और उसके सर के बाल सफेद हैं तो आप उसको भी बड़ा बुजुर्ग ही कहेंगे। और कभी भी आप इस चीज को, जिसे कहते हैं, आइडेंटिफाई वो कर सकते हैं कि जो आपके घरों में, आप उसको देख सकते हैं कि आपके घर में जो बड़ा बुजुर्ग है ना, वो कोशिश करेगा कि वो आपको किसी ना किसी बात के लिए समझाए। आप जब बाहर से आते हैं वो आपको कहेगा बेटा टाइम देख ले। आप जब घर के अंदर दाखिल होते हैं, अक्सर होता है कुछ बच्चे जो है वो जूता घर के दरमियान में कमरे में उतार देते हैं, बड़े बुजुर्ग ने उठे नहीं लाई दी जूती, उठे लाई दी, क्योंकि वो समझाते हैं। आज हमारी जिंदगी में बाइबल मुकद्दस जो है ये उस बुजुर्ग खुदा की किताब है जिसने जमीन और आसमान को तखलीक किया, वो भी हमें इसी तरह समझाता है। 10 अहम अहकामात किस किसने सुने? सबने सुने हैं। अगर मैं अहबार का 19 बार उसको आप स्टडी करें तो इसमें 10 से ज्यादा अहकामात है। मूसा जब इसराइल को लेकर चला, खुदावंद ने साथ साथ उसको बहुत सी चीजें भी दी, कवानीन दिए, तमीज दी, सही और गलत दी, उसे सिखाया कि बाप और बेटी का रिश्ता क्या है, उसको सिखाया कि बड़े बुजुर्ग क्या करें, उसको सिखाया कि तुम अपनी फसल का कितना हिस्सा कहां लो। इसी तरह उसने यह भी सिखाया कि उस दौर में लोग जो थे वो जिन्नात की प्रस्तिश करते, मतलब कि वो बुतों की पूजा करते थे, और खुदावंद हमारा खुदा उन चीजों को पसंद नहीं करता। अहबार की किताब उसका 19 बाब। मैं आज बात आ रही है बुजुर्ग की, कि बुजुर्ग की समझाते हैं। आज मैं अहबार की किताब के कोशिश करूंगा 32 जो 32 तक मैं हूं, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपके साथ ब्याह करूंगी। मैं इसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो वो कहता है कि माँ बाप की इज्जत करते रहना। आप गौर से पढ़े, वहां पर लिखा है करते रहे, मतलब है या नहीं है, आप हमेशा उनकी इज्जत करें। वो गलत है या सही है, आप उनकी इज्जत करते रहे। आप जानते हैं कि आपका बेटा बिल्कुल गलती करता है हर काम में, तो आप उसको समझाते हैं। आप जानते हैं कि मेरा बाप गलती करता है, लेकिन आप उससे लड़ नहीं सकते, आप सिर्फ उसको बोल सकते हैं कि चलो डैडी जी इंजीनियर करिए, लेकिन आप उससे लड़ नहीं सकते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है उसकी इज्जत करते रहो। उसके बाद बाइबल मुकद्दस में लिखा बुतों की तरफ रुजू न लाना। अहबार की किताब 19 बाब उसकी 4 आए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा अहकमान खुदावंद बुजुर्ग खुदा है, उसने आपको हर चीज की तमीज सिखाई है कि वे खाना, कि वे पाना, कि वे लाना, कि वे रखना। उसे कहा बुतों की तरफ रुजू नहीं लाना, मतलब कि आज अगर हम बहुत से चर्चिस पे भी देखते हैं, वहां पर जो है सेंट एंथनी का एक मुजस्मा बना हुआ है, एक तरफ किसी और का बना हुआ है, ये बाइबल के मुताबिक नहीं है, क्योंकि खुदा ने अपनी छवि इंसान पर रख दी है। हम अपने मकदस में, अपने बदन में खुदावंद को ढूंढे, ना कि बुतों में। जब हम अपने बुतों, जब हम बुतों में खुदावंद को ढूंढते हैं तो हमें खुदा नहीं मिल सकता, क्योंकि उसको हमने अपने हाथों से तखलीक किया है।
मगर अगर हम अपने मसीह खुदावन को अपने अंदर देखें तो हमें खुदावन ने तखलीक किया है। कभी आपने सोचा कि आज हमारी जिंदगी में कई जगह पर आप एक बुत बनाएंगे, उसको तखलीक करेंगे, चीज को तामीर करते हैं, उसके मालिक आप हैं, आपने बनाया है, आप तोड़ सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमारी लाइफ में खुदावंद बड़ी खूबसूरत बात की, कहता कहां पर मेरी इबादत गाह बनाओगे, कहां पर आप मेरे लिए मुकद्दस जगह बनाओगे, क्योंकि ये सब तो मेरा है। आज हम जिन चीजों को ढूंढते ना, अगर मैं कहूंगी ये मैं जी मैंने ये इबादत गाह बनाई है, मैंने यहां पर खुदा की इबादत के लिए जगह बनाई है, तो ये पहले ही खुदा की थी। ये आज से कई साल पहले खुदा ने इस घराने में इस चीज को तखलीक कर दिया था, लेकिन खुदावंद ने इस जगह पर जिसको इस्तेमाल करना था उसको कर लिया। इस घर में दो भाई हैं, एक ने खुदा को वेलकम किया कि मेरे पास ठीक है, अगर तुम करना चाहते हो तो करो, मैं तुम्हारे नाल। दूसरे भाई की फैमिली आकर उसको एक्सेप्ट करती है खुदा, दोनों ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाल दिया। अब आने वाले वक्त में की औलाद उसको कैसे एक्सेप्ट करती है? क्या वो खुदा के कलाम को सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाल देती है? अगर ये सोचे कि हाँ मैं तो खुदा को जगह देती है, तो मतलब है कि मैं बहुत कमाल कर देता है, मेरी औलाद बरकत पा जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। मैं फिर से कहता हूं, हमेशा कहूंगा, जड़ी रोटी तुसी खानी है, ढिड ताडा भरना है, ताडी वजह तो ताडे खानदान च बरकत आ सकती है, लेकिन तुसी किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते जिन्नी देर तक खुदा के कलाम को सुने ना। ये बात सच है। फिर वो कहता है कि तुम सलामती के नजराने गुजराना, मतलब कि जब आपके घर में कोई खुशी या कोई गमी होती है तो आप खुदा उनकी शुक्र गुजारी के नजराने दो। जब आपके घर में खुशी होती है, हम लोग कभी भी, आप अपने घरों को टटोल के देख लें, मैं अपने घर टटोल के देख ला। आज अगर मैं सैम भाई कहते हैं जी, मैं एल्डर साहब कहते हैं जी मेरे घर आज मेरे मुंडे का ब्याह है, सैम भाई ने 10,000 दिया तो वेला ही रखी होनी है। भाई फाकत का आगे कहना जी 200 बंदे का अरेंज किया खाने का, गोल्ड टेबल्स ने फ्लावर डेकोरेशन जी 20,000 रुपया मेरा लग गया स्टेज से लग गया। नवीन तो पूछा मैंने कहना मेरे कजन की शादी सी, मैं भी अपनी जेब को 5,000 रुपया तो लगे हुआ। लेकिन अगर हम शादी वाले घर वालों को कहे ना कि भाई तेरे घर विआह है तो खुदा के घर की एक चीज पूरी करनी, उन्हें कहना लोने का कह दिता ना इन्हे नाल ही पैसे कटा। हम हवा में लुटाने के लिए तो रुपया पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हम लोग खुदा के घर के लिए कख नहीं करते, क्योंकि वो तो खुदा का घर है। अगर पूछ के देखो तो बेमानी गाल कर देंगे, तो कड़ी पैसे की लोड़ है, खुदा को वाकई ही आपके रुपये पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन खुदा आपको एक चीज सिखाता है, वो है कि मेरी बेटी मेरे बेटे अपने आप को खोल, ताकि जब तू अपने दिल के दरवाजे खोले तो मैं भी तेरे घर में दाखिल हूं। आज हम अपने घरों में दाखिल ही नहीं होने देते खुदा। हमारे घरों में क्या चीज है जी? सब पैसे चाहिए खुदा, अंदर रुपया चाहिए। मेरे पुत्र की फीस रोक गई है, मेरी बेगम की बीमारी है, मेरे बच्चे ने अगे कॉलेज एडमिशन लेना है, मेरे पुत्र का ब्याह है, मेरी धी का ब्याह है। हम सिर्फ मांगते हैं मेरे जीजो, यकीन जाने हम मांगते हैं, अच्छी गल है ना, खुदा दे सब तो वड्डा है, लेकिन हमारे में शुक्रगुजारी नहीं। इसीलिए वो बुजुर्ग खुदा हमें सिखाता है। अगर आप अहबार की किताब उसका 9 आयत पढ़ते हैं तो आप 9 आयत को देखें। मैंने कहा ना कि वो आज सिखाएगा, अगर आप हमने 32 तक जाने में कोशिश करोगे बीच में से शॉर्ट कर लो। 9 आयत में वो कहता है कि जब तू फसल काटे तो उसका किनारा छोड़ दे राहगीरों के लिए और फसल को खाने वाले परिंदों के लिए। किस लिए? अगर आप अहबार की किताब 19 बाब उसका 9 आयत पढ़ते हैं, फसल का किनारा, मतलब कि अगर ये फसल है, अगर ये मेरे हाथ की ये स्क्वायर फसल है,
तो आप इसके किनारे से एक फुट जगह छोड़ दो। क्यों? ताकि आप लोग किसी गरीब मस्कीन के काम आ सको। हमें सैलरी मिलती है, असी दे की देती है, खुदा दे सर पे एहसान। और जब हमने खुदा के सर पे एहसान कर लिया तो बरकत कैसे पाएंगे? हमने क्या किया जी? हमने दे की दी है, बड़ा आसान कीता खुदा दे सर पे। और फिर हमें दे की भी पूरी देनी नहीं आती। हम दे अकी देते हैं किस पर? हम दे अकी देते हैं अपनी सैलरी पर। लेकिन मेरे अजीजों, जब आपके घर में बहन भाई आता है, कोई भी जरिया मुआद आपके घर में आए, मैं आता हूं, ब्रदर साहब मेरे घर आते हैं, वो आके मेरे बेटे को 500 रुपया दे जाते हैं। वो जो 500 दिया ना, उसमें से भी 50 रुपए दे की। क्योंकि ब्रदर साहब आए हैं, मैंने उनसे शर्त तो नहीं रखी थी कि अगर मैं ताड़े लिए रोटी पकावांगा तो मेरे मैनू जान लगे कुछ दे के जाना। हम अक्सर किसी के घर जाते हैं तो हम कहते हैं यार उन्हें इतना अच्छा किया यार, चलो तो बच्चे नहीं 100 रुपया ले आइए। ऐसे होता है ना, तो जब हम 100 रुपया देते हैं ना तो उसको कोई उन्हें ताड़े भैन भरा ने क्या नहीं होता। बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि अपनी जो फैमिली जिसने हमारे लिए अच्छा किया हम उसकी थोड़ी सी सपोर्ट कर सकें। अब उसमें से दया की नहीं देते। अब ये क्या बात थी? दया की। लेकिन बात हो रही है फसल के किनारे की, वो सखावत है। वो सखावत है जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब तू फसल काटे तो उसके किनारे को छोड़ देना, ताकि परिंदे और रागी और दूसरे लोग जिनके पास नहीं है वो सब उतने से हिस्से को काट कर अपने घर की रोटी भर ले। तुसी दया की दे दी, तुसी अपने बच्चों के कपड़े लाए। अगर ताड़ी जे 10 रुपए भी बच गए ना तो कोशिश करो कि 10 रुपए दे विच किसी गरीब की मदद करो, ताकि खुदा तुहानू और ज्यादा बरकत दे। उसके बाद अखबार की किताब उसकी 11 आए, कहता चोरी नहीं करनी और ना ही झूठी कसम खानी। क्योंकि हमें कसम खाने की बड़ी आदत है। बहुत से ऐसे मसीह हैं जिनको आज भी कसम खाने की आदत है, जो एकदम से कह देते हैं कसमें खुदा दी मैं इंज नहीं किया, खुदा कसम खाने की इजाजत ही नहीं देता। पहले तो वो झूठ की इजाजत नहीं देता, वो कहता है झूठ नहीं बोलना और चोरी नहीं करनी, झूठी गवाही नहीं देनी। अब हम कहते हैं जी यार उसकी जान बच जानी सी, तैयार मैं भी झूठी गवाही दे। लेकिन बाइबल इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। बाइबल कहती है कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता इसका, तेरे कारखान को है ये नहीं है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, किसी तरी झूठी गवाही नहीं देनी, भावे मर जाए मर जाए। आज हम लोग बुजुर्ग खुदा को भूल चुके हैं। हमारी नजर में पता क्या है कि हमने अपने खुदा और अपने खुदा से क्या करना है? सिर्फ लेना है। वो कहता है कि जब बुजुर्ग खुदा आ जाए तो खड़े हो जाए। जब भाई रफाकत यहाँ पर सामने आए और उन्होंने दुआ के लिए आके खड़े हुए हैं तो मैं बड़ा अजीब सा लगा। पहले एक बहन बैठी, फिर दूसरी बहन बैठी, फिर तीसरी बैठ गई। जब तक हमारे घरों में खुदा के कलाम और अल्फाज के लिए जगह है ना, तब तक बरकत है। दो चीजें आपके घर में, अगर कोई बड़ा आ जाए ना तो अगर आप बैठे हैं ना तो क्या बैठे हैं तो खड़े हो जाएंगे जी चाचा इस्लाम। लेकिन मेरे अजीजों, जब आपके घर से खुदावंद के कलाम की आवाज आए ना, तो कहे कि चले अब हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे, तो मैं ये कहता हूं कि बाइबल मुकद्दस वो जिंदा कलाम है, उसके अदब में खड़ा हो जाना चाहिए। अगर कोई अक्सर ब्रदर सैम जो है लास्ट गीत में सबको खड़ा कर देते हैं, जब भी कलाम से पहले खड़ा कर देते हैं, वो इसलिए खड़ा नहीं करते कि अद्धे में सुस्ती पै जाती है। ये सच है कि कलाम एक याद रखिए तो आपको चर्च में आके सुस्ती बड़ी पड़ेगी। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम घर की परेशानियां भूल जाते हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਥੱਕੇ ਹੋ, ਹਮ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਆਪਕੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਕੋ ਜਿਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਵੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਖਬਾਰ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸਕੀ 13 ਆਏ
और एक पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी लिखा है, नहीं लिखा कि चाचे का मुंडा है तो उन्हें जुलम नहीं करना, वो क्रिश्चियन है तो जुलम नहीं करना। पड़ोसी का मतलब पड़ोसी है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे हिंदू है, चाहे पारसी है, चाहे कोई भी, मतलब पड़ोसी। खुदावंद कहता कि किसी के ऊपर जुलम नहीं करना, क्योंकि हम जमीन पर रहते हुए जो गलती करते हैं उसका जवाब हमें जमीन पर ही देना पड़ेगा। फिर वो कहता है, कहता कि गरीबों के नाल भी रियायत करिए, जो गरीब इंसान है ना उससे रियायत करना। साहिब हैसियत लोगों से फिर वो बात करता है। आज बहुत से लोग साहिब हैसियत है। कल परसों नवीद को मुझसे डांट पड़ रही थी, नवीद को मैंने काफी डांटा, नवीद रोने लग गया। अब बात यह नहीं थी कि मैंने उसको डांटा रो रहा, बात यह थी कि बाप की कोशिश होती है कि मेरे बच्चों में ये एबिलिटी हो कि वो कैसे किस चीज को यूज करें, ताकि कल को आने वाले वक्त में वो अपनी लापरवाहियां इतनी ना बढ़ा लें कि वो फंस जाए। बाइबल में लिखा हो कि इंसान अपनी ख्वाहिशों में फंस कर मर जाता है। हम सबको जरूरत है, यहाँ पे किसी से भी पूछ लो, बच्चा भी पूछ लो ना, उन्होंने 10 रुपए दोगे ना फिर 4-8 रुपए दी चीजा वो गिरनी है जी सारे सुना ली, तो मेरे कॉपी भी कोई नहीं लैनी सकती, पैसे थोड़े देते। वड्डियां पूछा कि उन्हें कहना कमेटी भी है, बिजली के बिल ने, किराए ने, आन जान पेट्रोल गड्डी का उन्होंने भी गिना लिया। लेकिन मेरे अजीजो, आप में सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि आप किसी गरीब को अपने ध्यान में रखें। आपकी पूरी कमाई का कितना हिस्सा किसी गरीब की मदद के लिए जाता है? ये किसी बाइबल में लिखा है कि तुम अपनी दायित्व की दो गिनती की किताब दे। मैं अपनी दायित्व की निकालता हूं, मैं अपने तरीके से निकालता हूं, मैं अपने बहन भाइयों बाहर इलाकों में जिन जिन जगह पर हो सकता है हम अपनी दायित्व की निकालते हैं। आप कैसे निकालते हैं? आपको वो कहता है सखावत करो, गिरजा घरों में, खुदावंद के घरों में। लेकिन आपको सखावत का इसलिए कहता है क्योंकि बाइबल मुकद्दस उसके अंदर लिखा है कि जब तुम किसी गरीब मस्कीन की मदद करते हो तो खुदा को कर्ज देते हो, और खुदा को कर्ज देने की किसी की औकात नहीं, ना मेरी ना आपकी। लेकिन बाइबल अगर कहती है तो इसका मतलब है कि वो आपको सिखाती है। जाओ किसी पीर बाबे को चले जाओ तो तब कहेगा बाजी तो 1500 रुपया मैं देना है, रात को तेरे नाल इलम करांगे, फिर उसके बाद कमाल टूने च बड़ा कुवत है, तुसी जड़ी मैनूं तमीज दित्ती ना सारे काम चंगे हो गए, वाह कमाल हो गया जी बाबे नहीं छा गए हैं। तो कीता उन्हें जिन्हें बाइबल के मुताबिक तान किया कि जाओ किसी गरीब मस्कीन की मदद करो और खुदा को कर्ज दो। असी वही कर दिता, खुदा सानू बरकत दे दिता है, असी बाबे नू सलाम करते। कभी आजमा कर देखे, हम अपने घरों से सखावत नहीं निकालते, किसी गरीब मस्कीन की मदद नहीं करते। और जब हम किसी की मदद नहीं करते तो मेरे अजीजों आपकी जिंदगी में मुसीबतें रहती हैं, यहां तक कि अहबार की किताब उसकी 29 आयत को भी अगर आप पढ़े तो आप हैरान हो जाएंगे। आज हमारी बेटियां ऐसे ऐसे फैशन कर लेती हैं जो गलत है, जो मर्द देखकर उसको बदकार हो जाता है। अहबार की किताब 19 का उसकी 29 आयत, अपनी बेटियों को कस्बी बना करना भेजो कि दूसरा देखकर बदकार हो जाए। इंजन कपड़े नहीं पाने जिन्हों वेख के दूसरा बंदा बदकार हो जाए। अगर आज किसी हम अपने चर्च में कोई बेटी या कोई बेटा जींस पैंट पहन के बेटी आ जाए और उन्हें सिर से दुपट्टा ना लिता है, तो अगर उन्होंने कलीसिया भाई साहब और सारे च कह देना कि बेटी सिर से दुपट्टा लै, तो याद करो कि पुत्र सिर से दुपट्टा लैके चर्च आएगा, वो बच्ची दोबारा चर्च नहीं आएगी, ना उसका मां प्यो लैके आएगा। क्यों भला? क्योंकि उन्होंने सीखना नहीं चाहते और सिखाना नहीं चाहते कि मेरी बेटी जड़ी आने वाले वक्त की करे। बाइबल कहता कसवी बना के ना भेज,
और ऐसे काम ना करके उसकी वजह से रंडी बाजी शुरू हो जाए। यहां लिखा हो मैंने नहीं कहा, अगर आप उसकी 29 आयत को पढ़ते हैं तो कहता है कि मुल्क में रंडी बाजी फैल जाए, इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करानी कि उन्होंने वेख के बदकारी शुरू हो जाए। हर कोई चाहता ना मेरी बेटी अच्छी है, लेकिन वो कहता अपनी बेटी ने कपड़े ना पवाए कि जिन्होंने वेख के बदकारी शुरू हो जाए। और ये बातें वो करता है जो जमीन और आसमान का बुजुर्ग है, जिसके अदब में हमें खड़े होना चाहिए। अगर एल्डर साहब कहते हैं अब हम सब खड़े होंगे और भाई के साथ मिलकर दुआ करते हैं, तो जितनी देर तक बाइबल मुकद्दस की आयत नहीं पढ़ी जाती उतनी देर तक बैठना नहीं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी को बदलता है। घर के बुजुर्ग में असं इस गलों खलो के मिलने हैं क्योंकि चाचू है, नाना है, दादा है, उफड़ है, अमीर हम देखे कभी जिंदगी काम आवास दाँगे तो चाचा काम आ जाएगा, वड्डा भरा काम आ जाएगा, लेकिन मेरे अजीज़ और खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जड़ा है हमेशा तेरे काम आएगा और हमेशा तुम